नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा शहर में माँ हाइड्रोपोनिक्स कृषि फार्म हाउस पर। आज हम आपको बताएंगे एक अद्भुत नई तकनीकी कृषि के बारे में, एक बहुत कम जगह पर एक विशाल खेती के बारे में। आइएगा आज इस पूरे विषय को लेकर के, इस नई तकनीकी कृषि को लेकर के आज हम जानते हैं इन्हें से विस्तृत रूप से जानकारी। चलिए हम अंदर देख के चलते हैं हाइड्रोपोनिक कृषि का नज़ारा। हाइड्रोपोनिक्स जो प्लांट है, इस प्लांट को विकसित किया है केशुलाल जी और रामेश्वर जी ने। तो आज केशुलाल जी भाई साहब से इस प्लांट के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे, क्योंकि जो ये प्लांट है हमारे बालोतरा शहर में एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इससे पहले हमने ऐसी खेती देखी नहीं है, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने राजस्थान नहीं अपितु राजस्थान के बाहर एक दो जगह पे होगी, लेकिन विदेशों में ये खेती बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आज हमारे मरुस्थल के मालानी मरुभूमि में इस प्रकार का जो प्लांट है ये अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। तो केशुलाल जी भाई साहब, ये हाइड्रोपोनिक्स कृषि है क्या, इसके बारे में आप बताइएगा थोड़ा। मैं सर, ये एक्चुअल में इसराइल की पद्धति है पूरी जी, जहाँ पर मतलब कि बिल्कुल कम ज़मीन के अंदर, बिल्कुल कम पानी के अंदर इस खेती को पूरा विकसित कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है कि जैसे एक बीघा ज़मीन है, वहाँ पर अगर 6-7 बीघा 10 बीघा तक की अगर आपको फसल लेनी है तो आप इसको आप अच्छे से मेंटेन करके ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि ज़मीन के मुकाबले में इसके अंदर सिर्फ 5% पानी की ज़रूरत रहती है, इससे ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। ये बहुत अच्छी बात है। पश्चिमी राजस्थान जो है यहाँ पे पानी की अक्सर कमी रहती है, कई बार मानसून के मौसम में बरसात होती है और ना भी होती है, तो वो कृषि का किसानों को फ़ायदा नहीं होता है। आज केशुलाल जी ने बताया है कि पानी की बहुत कम खपत में एक अच्छी पैदावार हम इस कृषि से ले सकते हैं। तो ये प्लांट विकसित आपने कैसे किया, ये पूरा इस प्लांट को विकसित करने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? ये हमने एक जगह इसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये सब सीखा था जी, और सीखने के बाद में हमने इसको पूरा अपने हिसाब से इसको डेवलप किया। ट्रेनिंग कहाँ की आपने? ट्रेनिंग मैंने 2-3 जगह पर ली थी, एक मध्य प्रदेश में भी ली थी और एक दिल्ली में भी हमने ली थी, और वहाँ पर हमने ये सब कुछ चीज़ सीख दी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पानी तो बहुत कम चाहिए ही है, इसमें मेंटेनेंस जीरो है। आप जैसे ओपन क्षेत्र में अगर ये खेती करेंगे तो इसके लिए कम से कम 6-7 बीघा 8 बीघा की जरूरत पड़ेगी। जमीन ज़्यादा और ज़मीन के अंदर इतना पानी चाहिए कि आप उसकी भरपाई कहीं नहीं कर सकते, इसीलिए आप देखो आप सब जगह सूखी सूखी ज़मीनें आपको लगेगी। और ये खाली कितनी ज़मीन, 50 फीट बाई 120 फीट ही ज़मीन है जो हमने इसको काम में लिया। पूरा प्लांट है, इस ज़मीन की साइज़ क्या है? ये प्लांट जो है वो 50 फीट बाई 120 फीट। इसमें 20,000 ये नेट पॉट लगे हुए हैं, धनिया लगा हुआ है, और हमने ये धनिया लगाया है करीब 20,000 पॉट के अंदर। 10,000 पॉट इसमें लगा चुके हैं, 10,000 पॉट का अभी ये नया सेक्शन हमारा चालू हो रहा है। ये आपका जो ये प्लांट है ये किस प्रकार से ये कार्य करता है इस कृषि में, इसमें किस प्रकार से है? इसमें आप देखिए यहाँ से एक पानी का कनेक्शन दिया हुआ है जी। प्लांट है, ये सारा प्रोसेस किस प्रकार से है थोड़ा हमें बताइएगा। इस पूरे प्लांट के लिए मात्र एक पानी की टंकी लगी हुई है, छोटी सी, 1,000 लीटर की, 1,000 लीटर बस उसमें पानी है। वही पानी यहाँ आता है और यही पानी वापस प्रोसेस होके वापस टंकी के अंदर। हाँ, ये देखिए आप, पूरा पानी एक यहाँ से आ रही है और ये नली के द्वारा ये पानी इसमें आ रहा है। और इसके अंदर किसी भी प्रकार की मिट्टी का योग नहीं है। अच्छा, इसमें एक मीडिया जो यूज आता है, तो इसमें नारियल की जटाओं का जो पाउडर होता है, मिट्टी का यूज नहीं है, तो इसमें खाद का प्रयोग भी बहुत कुछ कम, भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें कोई भी जो दूसरी प्राकृतिक खादें हैं जैसे ये गोबर की खाद है वगैरह, वो इसमें कुछ भी यूज नहीं आती है। बहुत ही कम परसेंटेज में न्यूट्रन होती है, वो हम भी अलग से इसकी जानकारी देंगे, और वो बहुत ही कम लागत आती है। मतलब जमीन के मुकाबले आप समझ लो ना
जमीन में जाए इसको कई कट्टे यूज होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ये कुछ कुछ ग्राम कुछ मात्रा में ही इसमें न्यूट्रिएंट दिया जाता है। और इसमें ये देखिए आप ये पूरा कप है, ऐसी विशाल चीज आपको जमीन पे आप ये नहीं कर सकते, नहीं नहीं कर सकते। इसमें पूरा ये नारियल का पाउडर है, जो नारियल की जटाओं का पाउडर वेस्ट ही जाता है, जटाओं का पाउडर बिल्कुल कम रेट में मार्केट में अवेलेबल है। और ये एक बार यूज कर लिया फिर कंटिन्यू यही चलता है, इसको बदलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये खराब नहीं होता, बस कुछ खराब नहीं। ये इसकी जड़ें देखो आप, पानी इसके अंदर आधा रहता है, आधा फ्लो होकर बाहर निकल जाता है वापस टंकी में। और ये छोटी सी जगह में ये 1500 पौधे हैं, 1500 प्लांट है, मतलब ये कप का प्लांट है, कप का प्लांट, हाँ 1500 कप लगे हुए इसे एक छोटी सी जगह के अंदर, और पूरे के अंदर तो ये 20,000 लगे हुए हैं, मतलब जो जमीन पे आप लगाएंगे तो इसका कोई अंदाज ही आप नहीं लगा सकते कितना। सर हम सुनते हैं कि मिलावटी सब्जियां में मिलती है, हाँ। लेकिन इस प्लांट से ऐसा क्या होगा? इसमें एक भी पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता है जी, कोई भी हानिकारक कीटनाशक दवाएं हैं वो अंदर भी एंट्री लानी मना है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार को कोई नुकसान होता है, जमीन के टच नहीं है तो कोई भी बीमारी इसमें आती नहीं है। और दूसरी बात है, मार्केट में जो क्वालिटी मिलती है उससे करीब दुगनी ये क्वालिटी एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी की रहती है, मतलब मार्केट में आपको ऐसे धनिया देखने को नहीं मिलेंगे, ये सुपर मार्केट में वगैरह वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी मतलब इनकी क्वालिटी बनती है। ये जो कृषि है अक्सर बड़ी सिटी में क्या होता है कि किसी के पास जमीन अवेलेबल होती है नहीं होती, नहीं होती तो अपने छत पे भी ये बना सकते हैं आप, स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको घर की छत के ऊपर छोटे छोटे स्टैंड बनाकर, उसमें भी ये डेवलप हो सकती है, आप अच्छी सी छोटी एक बालकनी के अंदर इसको डेवलप कर सकते हो। और अगर आपके पास में काफ़ी ज़मीन है, ज़्यादा नहीं कुछ 2 प्लॉट जितनी भी ज़मीन है, तो ये एक पूरा उद्योग स्थापित हो सकता है, इससे रोज़गार भी सबसे बड़ा मिल सकता है। तो और इसमें एक बार अगर लगाने के बाद में 4 से 5 महीने तक इसकी कंटिन्यू कटिंग मिलती रहती है, एक बार इसको तैयार होने में महीना लगभग 45 दिन लगता है, लेकिन उसके बाद में हर 15 दिन में ये कटिंग निकल जाती है। प्लांट को लेकर के आपको कितना खर्चा वहन करना पड़ा अभी तक? खर्चा इसके अंदर ये है कि अगर हम रेडीमेड लेते तो काफ़ी ज़्यादा पड़ता, लेकिन ये जो अगर खुद अपने अपन इसको डेवलप कर सकते हैं तो काफ़ी रिजनेबल है। इसके बारे में पूरी एक अलग से मैं आपको एक डिटेल दे दूंगा कि वो इसके अंदर आप आराम से तैयार कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी मतलब बड़ी कुछ भी इसके अंदर विज्ञान नहीं है, एक सिंपल और सरल प्रोसेस है, आप सिंपल सरल प्रोसेस के द्वारा आप इसको तैयार कर सकते हैं। कुल मिला के आर्थिक रूप से अक्षम इंसान भी प्लांट को बिल्कुल न्यूनतम दर पे प्रारंभ कर सकता है। तो इसमें अगर किसी नौजवान भाई की या किसान भाइयों की ऐसी इच्छा है कि मुझे भी ये प्लांट अपने क्षेत्र में लगवाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, हम यहाँ पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है साथ में, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर और बहुत ही कम फीस से बिल्कुल न्यूनतम एक दिन का हमारा सेशन रहता है, उसमें हम ये सारी प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, इस स्टैंड को आप कहाँ से बनवा सकते हैं, कौन सी चीज़ मार्केट में कहाँ अवेलेबल है, ये नहीं कि हम बना के उनको दे देंगे वगैरह, वो भी है, लेकिन उसके अलावा वो अगर खुद बनाना चाहे तो बहुत ही इजी माध्यम से उसको सब समझा दिया जाता है कि भाई आप ये मार्केट में ये चीज़ आपको वहाँ अवेलेबल है और आप इसको बना के इसको ऐसे बना सकते हो। ट्रेनिंग कितने महीनों की? ये एक दिन का सेशन रहता है, एक दिन के अंदर पूरी उसको सेशन समझा दिया जाता है, फिर समय समय पर उसको जब किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो वापस हमारे को वो फ़ोन करके उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकता है। कौन कौन सी फसलें जैसे सब्जियों में है इसके अंदर? लीफी के अंदर आप देखिए धनिया, पालक, मेथी, ये प्रचुर मात्रा में होती है जी। और टमाटर और हरी मिर्च और मटर भी है इसके अंदर। और फ्रूट के अंदर इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जो आज सबसे महंगी फ्रूट मानी जाती है जी। वो इसके अंदर सबसे अच्छी होती है, ज़मीन से लगभग ये 3 गुना ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा फसल देती है इसमें। कई बार अक्सर होता है कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में मौसम के हिसाब से कृषि प्रभावित हो जाती है, तो ऐसा इस प्लांट में है क्या? इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये प्रोसेस बिल्कुल कूल रहता है जी। जो गर्मी के अंदर जो बाहर फसल नहीं ले पाते हैं जी, जी। बराबर है, वो इसके अंदर आप 365 डिग्री का टेम्परेचर अगर आप अच्छे से इसको मेंटेन करते हैं तो सामान्य टेम्परेचर पे रखो तो पूरे साल तक ये प्रोसेस चलता रहता है बिल्कुल। कुछ जैसे गर्मी ज़्यादा तेज़ गर्मी से बचाव के लिए हमने ये जैसे शेड हाउस नेट हाउस बनाया है, तो नेट हाउस में क्या है लगभग 10 डिग्री ये तापमान कम कर देता है, तो इसके लिए टेम्परेचर जो 35-36 डिग्री चाहिए रहा था, तो कितना भी अगर टेम्परेचर हैवी हो जाए तो 45 होता है, तो 45 में से 10 डिग्री तो ये कंट्रोल कर देता है, उसके बाद में टेम्परेचर का इसमें कोई इश्यू नहीं है।
चलिए रामेश्वर जी से जानेंगे कुछ। ये जो आइडिया है, आप भी केशुलाल जी के साथ में थे जब ट्रेनिंग लेने गए तब? हम दोनों साथ में ट्रेनिंग लेते हैं। तो वैसे आप तो परिपक्व है, आर्थिक रूप से भी सक्षम है, लेकिन ये जो प्लांट विकसित करके एक नया जो योगदान दिया है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, केशुलाल जी वैसे भी इस प्लांट को आपने अभी प्रारंभ किया है, तो प्रारंभिक दौर में ये जो 20,000 कप में धनिया की फसल को आपने उगाया है, तो आपने देखो ये अच्छी क्वालिटी की धनिया की फसल आपको अभी मिल रही है, तो धनिया को ही क्यों चुना आपने, इसका क्या रीज़न है? आप लगभग आधे हिंदुस्तान में देख लो, आप आधा हिंदुस्तान मत को, मेरे ख्याल से 75% सिर्फ 2 महीने जो ये दिसंबर जनवरी आप छोड़ दो तो पूरे साल धनिए के रेट हमेशा आपको हैवी मिलेंगे। आप कोई भी सब्जी वाले से भी अगर पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि फरवरी के बाद में ये इसकी रेट बढ़ते बढ़ते होलसेल के अंदर 50, 70, 100, 150 और 200, 250 रुपये दीपावली के पास पास तो इसकी फसल के लगभग 300 से 350 रुपये किलो तक इसके रेट हो जाते हैं, बराबर है। और ये 20,000 पौधों का जो प्लांट है, अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है, मतलब हम सुबह आते हैं सिर्फ मोटर ऑन करके जाते हैं, क्योंकि इसमें एक बार अगर ये बीज वगैरह लगाने के लिए स्टार्टिंग में बीज लगा स्टाफ की आवश्यकता, कोई एक भी स्टाफ की जरूरत नहीं है। सुबह आप ओनली मोटर का स्विच ऑन करके जाइए और शाम को आके इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, 15-20 मिनट मोटर चलती है और 15-20 मिनट बंद रहती है। इसके साइड में पूरे दिन दूसरा रोजगार भी पूरा कर सकता है और कोई भी काम इसमें मतलब बाधा नहीं आती, मेंटेनेंस इसमें कुछ है ही नहीं, जीरो मेंटेनेंस है, न तो इसमें ज़्यादा कुछ लेबर की जरूरत है, वो दूसरी जरूरत है। और दूसरी बात है, धनिए के रेट जो 150-200 तक भी पहुंच जाते हैं, हाइड्रोपोनिक क्वालिटी के अंदर अगर थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करें, इसमें साल भर तक ये अभी इसमें लगभग एक बार में 2,000 किलो माल निकलता है, एक बार में। उसके 15 दिन बाद में वापस इसको कटिंग करेंगे तब भी 1,800 से 2,000 किलो वापस इसमें टाइम पीरियड लगता है, 15 दिन में बाद वापस आपको कटिंग मिल जाती है। और हर 15 दिन में आपको अगर 1,500 से 2,000 किलो माल अगर मिल जाता है और इतनी अच्छी अगर आपको रेट मिल जाती है, रेट मिल रही है, तो दूसरा कोई उद्योग तो मेरे को नहीं लगता कि इसके सामने और कोई ठहर पाता है। और दूसरा कोई भी कि आदमी अगर इसको कराना चाहे तो वो सारा दिन इसको फ्री रह सकता है, मतलब उसको सारा दिन या बैठे रहने का काम नहीं है या लगाने के बाद में उसको कुछ भी नहीं, एक बार आके उसको सब ऑन करके जाना है और शाम को उसको ऑफ करना है बस, क्योंकि रात में इसको पानी की जो ये सप्लाई चलती है उसकी किसी की जरूरत नहीं है। और इसमें जो ये क्वालिटी है तो आप देखेंगे जो मार्केट के अंदर जो क्वालिटी स्तर पे नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, उससे लगभग तो दुगनी या मेरे ख्याल से 3 गुना तक इसकी बेटर क्वालिटी है, क्योंकि इसमें एक तो कचरा कुछ भी नहीं आता जमीन पर, क्या है वो दूसरी घास वगैरह वो सब मिक्स हो जाती है, साफ सुथरी, इसमें एकदम साफ सुथरी क्वालिटी है, इसीलिए हमने ये धनिया का प्लांट लगाया है कि ये आप और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और किसानों के लिए एक नया रोजगार का अवसर भी इस प्लांट से हमें मिलेगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा एक बार पुनः, माँ हाइड्रोपोनिक्स कृषि फार्म हाउस पर आप सभी इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे से आगे राजस्थान नहीं अपितु हिंदुस्तान के तमाम हमारे किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँचाएं।